सोमवारी 13 मेला मध्यरात्री झालेल्या वादळी पावसामुळे शहराजवळील नगर सोलापूर रोड येथील इंदिरा हाऊसिंग सोसायटी शांतीनगर येथील घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. वाऱ्यामुळे घरांचे पत्रे उडून गेले. घराचे छत उडाल्यामुळे हरभजन कौर या वृद्ध महिलेला दुखापत झाली. तिला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. घटनास्थळी माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांनी भेट देऊन घटनेची माहिती घेऊन परिसराची पाहणी केली. मात्र अद्यापपर्यंत महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन विभागाने या परिसरातील नुकसानग्रस्त घरांना भेट दिली नसून घटनेचे पंचनामे झाले नसल्याची माहिती नागरिकांनी कळमकरांना दिली. हे पंचनामे तातडीने करावेत अशी मागणीही नागरिकांनी केली. मेरा नाम रेशम सिंह है. हम इधर सोलापुर रोड के ऊपर इंदिरा हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और रात को अचानक 12 से 12:30 के बीच में एकदम ज़ोर से तूफान आया. हम लोग अभी सो ही रहे थे तो उसके कारण हमारी जितनी भी जो छत थी पतरे वगैरह थे वो सब टूट गए और ऊपर से जो दीवारें थी वो हमारे ऊपर गिर गई. मम्मी के ऊपर मतलब जो दीवार गिरी उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई. उनके सिर पे सिर भी फट गया है. मेरी यहाँ छाती के ऊपर लगी है चोट और जहाँ पर बंद भैया बाजू के ऊपर लगी है तो बाकी घर पूरा ख़त्म हो गया है. तो बहुत मुश्किल है अभी. ठीक है, मैं महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे घर की भरपाई करने के लिए हमारी मदद करें ताकि हम मान लो भैया बारिश के टाइम पर अपने घर में बैठ सकें. अभी एकदम सब खाली हो गया है, कुछ नहीं बचा घर में. ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं महानगर पालिका की सर पालिका को कि हमारे घर में घर को बनाने के लिए हमारी मदद करें. इस बातम्यांसाठी ई नवा माडा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा.